कदरदान, माय नेम इज रोहन किशन चौहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेसी ब्लॉग। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये मैं कहां पर हूँ, देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, ये वोयलन की मैन्युफैक्चरिंग जो रामपुर में यूनिट है, ये यहाँ पर मैं आया हूँ और पूरा दिखाऊंगा आपको कैसे वोयलन जो है वो बनाया जाता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरा प्रोसीजर बनाऊंगा और यहाँ के वर्कर से भी सारी बात करवाऊंगा आपको। और हमारे अजीज़ भाई हैं ये, और अजीज़ भाई से जानकारी लेंगे, वो भी यहीं पे आप रहते हैं। और ये जो वोयलन बन रहे हैं कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सा प्रोसीजर से हो के गुजरते हैं ये। अच्छा लकड़ी आ गई, ये लकड़ी काय की है, कौन सी लकड़ी? ऊपर जो लगती है पर्तल की लगती है, पर्तल की, और नीचे बकान भी लग सकती है, टून भी लग सकती है। अच्छा। और इटालियन लकड़ी मैपल भी होती है, इटालियन लकड़ी। और इसमें सबसे महंगी लकड़ी कौन सी होती है? सबसे महंगी इटालियन वाइल्ड होती है, मैपल भी होती है वाइट वाली। अच्छा, ये वाइट सीजर भी बोलते हैं जी, और मैपल नाम है उसका। अच्छा, ये आती कहाँ से है इटालियन वाली? ये बम्बई में मिलती है हमें, तो बाहर से आती है। अच्छा, बाहर से आती है। तो ये देख सकते हैं लकड़ियाँ रखी है यहाँ पे, इनका यूज़ होता है वोयलन बनाने में। ये बाहर की लकड़ी का। अच्छा, ये बाहर की लकड़ी है, ये इंडिया की बाहर की है। हाँ। अच्छा, तो आप ऑर्डर वगैरह देते होंगे और मंगाते होंगे उस हिसाब से, उसके बाद क्या होता है कुछ बताइए। ठीक है, जी ये आ रहा मशीन है जिसपे टुकड़े होते हैं वोयलन की लकड़ी के। अच्छा ठीक है जी, इसके बाद में इसके ये पीस हो जाते हैं अलग अलग। अच्छा, भाई आ जाए। ठीक है ठीक, ये इसकी साइड की है जी, ये इसकी साइड में लगती है। अच्छा, साइड का जो पोर्शन होता है ये बना रहा है जी जी। अच्छा अच्छा, ज्वाइंट कर रहा है जी, ये बना रहे हैं। अच्छा, ये सारा काम की लकड़ी बनता है, साइड का ये सब जुड़ जाता है, ये जुड़ गया। अच्छा, क्लिक करके जुड़ जाता है। ठीक है ठीक है, ये फ्रेम है फ्रेम। अच्छा, फ्रेम जो है ये फ्रेम के अंदर फंसा के जुड़ जाता है जी, ये जुड़ गया, उसके बाद में फिर इधर आ जाओ। अच्छा जी, ये फिर इसमें ये वाद्य जो इन्होंने बनाया था जी। ठीक है, और एक जोड़ के इस पर लग जाता है। ठीक है, यहाँ से इधर आ गया, उसके बाद यहाँ से लगने के बाद ये तैयार होता है, ये लगने के बाद में वो हो गया। अच्छा जी, चलिए दिखाते हैं, जुड़ गया सारा, ये जुड़ के रख गया है। अच्छा, ये रख गया, ये जुड़ गया। अच्छा, ये जुड़ो। अच्छा अच्छा, ये स्पेशली लगा रखा है ताकि ये जम जाए, बिल्कुल एकदम ज्वाइंट हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाए जी। अच्छा, अब ये सुबह को खुलेगा जी, खुलने के बाद में फिर ये होगा। अच्छा, ये फेस बनता है, साइड जो कम बनती है उसको बराबर करने के लिए, एकोरेट करने के लिए। अच्छा अच्छा, ये जो है ये बराबर करने के लिए। ठीक है, एकोरेट कर लिए। अच्छा ठीक है, उसके बाद में फिर ये रगड़ाई होती है सामने। अच्छा, रगड़ाई रेगमाल से रगड़ाई होती है ताकि फिनिशिंग आ जाए। ताकि इस पर जो आरी के निशान है जी, जो भी डैश है वो सब साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, फिर एक माल हो जाए बढ़िया से, जो भी इस पे आरी के निशान है या कोई प्रॉब्लम है वो सारी साफ होकर फिनिश हो जाए। ठीक है, अभी इस पे फिनिशिंग हो रही है ताकि बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया हो जाएगा जी। वायलिन की जो जी कोर होती है, कोर। अच्छा, कोर यहाँ पे जी, जो गुलाई है ये करने के लिए ये करते हैं, देखिए ये कर। अच्छा, यहाँ पे होती है वो। हाँ, ये कर रहे हैं बैठे हुए। ठीक है, इसको घड़ा हुआ बोलते हैं, घड़ रहे हैं, घड़ रहे हैं। अच्छा, किनारी वनारी वगैरह बन जाएगी जी, ये देखिए अभी बिल्कुल क्लोन दिख रहा है जी। अच्छा, और इसको देखिए ये किनार बन गई। अच्छा, हल्का सा कर्व लाने के लिए। हाँ हाँ, ये किनार बनाने के लिए, यहाँ पे थोड़ी गहराई करने के लिए जी। अच्छा, थोड़ी गहराई हो जाए, कोर बन जाए। ठीक है, ये सब कर दिया इन्होंने। ठीक है ठीक है, तो इसमें कितना समय लग जाता है लगभग? ये दिन भर में बस ये चार पीस होते हैं, ये चार पीस, एक बंदा चार पीस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वैसे दिन भर में सुबह से अगर काम शुरू होता है शाम तक, कितने वॉयलन तैयार हो जाते हैं प्रॉपर्ली पूरी तरीके से? आप पूरी तरीके से 20 वॉयलन तैयार हो जाते हैं। 20 वॉयलन रंगाई होती है। अच्छा, रंगाई 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 रगड़ाई। अच्छा, रंगाई रंगाई, ताकि जो फिनिशिंग है वो हो जाए, उसके बाद में वो डांट बनना रह गई। अच्छा 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 अच्छा, तो अजीज भाई मैंने एक चीज़ नोटिस की अभी तक कि इस लकड़ी को काफ़ी तरीके से घिसा जाता है, कहीं हाथों में गुजरना पड़ता है, इसे काफ़ी लोग इस पर काम करते हैं तब जाकर ये वायलिन कंप्लीट होता है। अच्छा, गिटार बनाने में और वायलिन बनाने में थोड़ा फ़र्क आप समझाइए मुझे। गिटार में और वायलिन जी, वायलिन में जो है
वो थोड़ा काम ज़्यादा है, गिटार में थोड़ा काम कम है। अच्छा, ये उसके अंदर जो आगे का हिस्सा होता है, नेट जिसे बोलते हैं, डांड भी बोलते हैं, नेट भी बोलते हैं, उसमें कोई ख़ास काम नहीं होता है। उसमें से छः सुराख करना होता है, हल्की सी गुलाई होती है, इसका पूरा गुलाई बनती है। ये गुलाई जो है ये जी अच्छा, ये उसमें नहीं बनता, उसमें है नहीं बनता जी, उसका प्लेन होता है सादा, बंदा मारो हो जी, इजी काम है वो। तो दूसरा वो पीस बड़ा होता है, इसलिए उसमें समय भी कम लगता है। अच्छा अच्छा, आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अजीज भाई, अब आप क्या दिखा रहे हैं हमें? डांड हमें मिलती है। अच्छा, ये डांड है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, थोड़ा समझाइए कि डांड जो है वो पीछे का हिस्सा होता है वायलिन का, सबसे आगे का, जिसमें अच्छा आगे का जी, इसमें तार लगा, सबसे अगला हिस्सा है, इसमें तार लगते हैं, ये चार सुराख हैं जी जी, यहाँ पे हम छिदाई करते हैं, ये कभी ठीक ये छिदाई करते हैं जी जी जी। अच्छा, इसमें अंदर तार पड़ जाते हैं यहाँ से जी, और यहाँ खूटी टाइट करने के लिए साइड से। अच्छा, अच्छा, ये हम ऐसे लेकर इसको पूरा निशान लगा के पेंसिल से ही जी, उठी इसको चीरते हैं, चीरने के बाद में ये बनाते हैं। ये बहुत बारीक काम है मेरे हिसाब से, कम्प्लीट होकर ये चीज हो जाती है। अच्छा अच्छा, ये बन गई ठीक है। यहाँ पर वो जो साइड बन रही थी वो साइड यहाँ फंस कर जी, वो फिर आगे पीछे तख्ते लगकर वो क्लिप लगते हुए आपको दिखाए थे, इससे जुड़ जाती है, लगकर जुड़ जाती है ये। ठीक है, फिर आखिर में इसमें तार लग जाते हैं जी। पहले तो हमने ये बनाया एक राउंड जी, इसको गोल किया हमने जी, ठीक है, अब हमने इसको उसके बाद में ये काट लिया। ठीक है, अब ये दूसरा राउंड बनाया है जी। उसके बाद में हमने फिर इसकी एक ये मांग निकालते हैं जी। अच्छा, ये दो नालियाँ बनी हुई है, ये पूरे निकालते हैं। अच्छा, ये भी सब उधारों से जी। जिसे फिनिशिंग कहते हैं जी जी। देखिए जगह पे मारे मैंने, निशान निकल गए यहाँ के जी, यहाँ पे भी निशान है सब औजारों के, बिल्कुल ये फिनिशिंग आ जाएगी ऐसे पूरे पे। उसके बाद में फिर हाथ से रेगमाल थोड़ा सा करेंगे और चमक लाने के लिए जी, जहाँ जहाँ लगेगा क्या यहाँ पर जी, आपको हमने दिखा दिया सारी जुड़ाई हो जाए जी। तो अजीज भाई, मतलब बहुत ही बारीकी से काम होगा तब जाके एक वॉयलिन तैयार होता है जी। तो लोग दुकान पे वॉयलिन लेने आते हैं, देखते हैं भाई साहब इतना बढ़िया वॉयलिन है, इतने रुपए का है, और जो है मतलब इससे ये पता चलेगा कि लोग मतलब ये इसको बनाया कैसे जाता है। सही मायने में जो चीज़ रखी है किसी शॉप में या कहीं पर, तो वो किस प्रोसेस से गुजर रही है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं उसमें जी, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी एक पॉलिश का काम चल रहा है, कहिए तो वो दिखाऊंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं जी जी। अच्छा, ये भाई कर रहे हैं स्पीड पॉलिश, तो चढ़ा रहे हैं, एक तैयार है ना अगली। तो ये स्पीड पॉलिश में भाई जानी क्या क्या यूज होता है, कुछ बताइए। दाना मिलता है, दाना होता है जी, थिनर लगता है। अच्छा, उसके बाद में ये ऐसा हो जाएगा, ये कंप्लीट होकर ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, देखिए अब क्या खूबसूरत हो गया ये। ठीक है ठीक है, ये अभी इस पे ये लगभग सात हाथ या आठ हाथ एक बार में एक वायलिन पे चढ़ाते हैं, सात या आठ बार इसको यही करेंगे, चढ़ाएंगे पॉलिश जी जी। जब पॉलिश पूरा हो जाएगा तब उसके बाद में इसकी फिर रेगमाल से कटाई होगी। अच्छा, ये लकड़ी को पिलाने के लिए पॉलिश है, इसके बाद में फिर कलर पड़ेगा गन से, रेड पड़े, ब्लू पड़े, ब्लैक पड़े जी जी, वो कोई सा भी पड़े, वो भी गन से कलर पड़ेगा। ये लकड़ी की जमीन बन रही है। अच्छा, जिसे अस्तर भी बोलते हैं, प्रेमर भी बोलते हैं जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पे जो है इन पे कलर हो रहा है, रंग हो रहा है, जमीन है वो भी कटते थे।
इसके सारे भर दिए प्रोटीन वगैरह करके, जो भी हल्के फुल्के रेगमाल के निशान थे सब कर दिए हैं। अब इस पे रेगमाल हो गए, अब ये कर रहे हैं इस पे पॉलिश। ठीक है ठीक, मतलब उस जगह से ये यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले इस पे ये काम होगा, ये काम होगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख सकते हैं बहुत ही मेहनत से सब लोग काम करते हैं, टीम वर्क का बहुत इसमें बड़ा रोल है। ये फिंगर बोर्ड बोलते हैं इसे, फिंगर बोर्ड यानी इसमें उंगलियां चलती हैं तार। अच्छा जी, ये उंगलियां इसी पे चलती हैं, फिंगर बोर्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो लकड़ी, ये लकड़ी भी बाहर की है, इस पे जो वो आती है ये काली ही लकड़ी होती है, ओरिजिनल काली है, ब्लैक की है, कलर नहीं हुआ है। ये लकड़ी है कौन सी, ये इसे एबोनी बोलते हैं, एबोनी। अच्छा ये कहाँ पाई जाती है, ये बांग्लादेश से आती है, कलकत्ता। अच्छा बांग्लादेश से आती है। इसके बाद में ये बनती है जी, फेयर होने के बाद में, डेकोरेट करने के बाद में दोनों को चिपकाया जाता है। अच्छा देखिए, चेक कर रहे हैं यहाँ पे इसे और तैयार कैसे रखते हैं इसे, इस तरह से ये सेट कर दी जाती है जी। अच्छा देख सकते हैं आप इस तरीके से ही इनका काम यहाँ पर ये है, इसको पेस्ट करने का। एक बार किसी ने बैठ दो चीज़ पे बैठी जाती है। अच्छा जी, तो ये देख ताकि इसमें अटैच हो जाए, 6 से 8 घंटे में ये इसमें चिपक जाती है, 6 से 8 घंटे में तैयार हो जाती है। देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है और 6 से 8 घंटे में ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद इसके आगे का प्रोसीजर करा जाएगा जो हमने आपको दिखाया। सारा कपड़ा वगैरह मैं ही लाता हूँ। अच्छा कपड़ा आता है दिल्ली से। अच्छा 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 अच्छा, एक कपड़ा जो है वो केस बनते हैं इसके, केस बनते हैं वायलेंट जी, उसके अंदर लगाया जाता है। हाँ, अंदर लगता है ये, देख सकते हैं आप, ये केस है वायलेंट का, ये वायलेंट का ही डिजाइन बना हुआ है इसमें, देख सकते हैं इसमें वायलेंट है जी, घुमा बना रहा है डांड, वो यहाँ पे फंस जाएगी। अच्छा वो डांड यहाँ तक आ जाएगी, वायलेंट इसमें पूरा आ जाएगा। ठीक है, जो उसको बजाने की स्टिक होती है वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ये घुमा के फंस जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें उस पर रोगन लगाने का जो होता है वो इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर से ब्लैक कपड़ा ये वाला चढ़ेगा, ये रखा हुआ है। अच्छा, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा जी, नीचे फिनिश में तैयार दिखा दूंगा आपको अभी जी जी। अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पर जो है केस तैयार होते हैं थर्मोकोल वगैरह से, और पूरा मतलब इसके अंदर पूरा तैयार करा जाता है, मशीनों पे जो काम होता है ये मशीनें हैं। ये देख सकते हैं ये मशीनें रखी हैं यहाँ पर, और यहाँ पे पूरा काम किया जाता है, और देख सकते हैं कपड़ा काफ़ी पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी काम हुआ है। देख सकते हैं इधर भी मशीन है और पूरा ये तैयार होता है यहाँ पर। ये सारे कटे हुए कपड़े हैं ये। अच्छा जी, तो ये कपड़ा आप दिल्ली से लाते हैं? दिल्ली से मैं ही लाता हूँ। इसका अच्छा, कपड़ा अच्छा। है हैंडल लगते हैं, हैंडल है, जी है। अच्छा, इसका कपड़ा मतलब कौन सा होता है कपड़ा इसमें यूज? शनील ऊपर अंदर, ये शनील लगती है और जी अंदर, और ऊपर जो है ये मेटी बोलते हैं। अच्छा मेटी। अच्छा ये कवर जो है इसका, ये कवर जो है ब्लैक कलर का, ये मेटी है, अंदर शनील जी कलर बदलते रहते हैं, लाल हो, नीला हो, जी जी जैसा भी हो, अपने वाइन कलर हो, ये सारे कलर हैं, कई कलर हैं ये। जी जी। अच्छा अच्छा, जैसी जिसकी चॉइस होती है अंदर का कलर बदलता रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर एक ही रहेगा। ठीक है ठीक है, ये इसमें एक पॉकेट इसलिए दे दी है कि अगर आदमी कोई अपने पर्सनल कोई डायरी वगैरह कोई बुक वगैरह रखना है तो वो इसके अंदर रख ले। जी। अच्छा, बाकी तो वायलिन का सामान तो अंदर ही आ गया। ठीक है, नहीं तैयार दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक, तो ये केस है जो हम अभी आपको दिखा रहे थे वो तैयार हो चुका है, और अब इसको दिखाते हैं ये बिल्कुल तैयार होके कैसा लगता है। इस तरह से रखा जाता है जी, तो ये रख के दिखा रहे हैं कि इसमें कैसे रखा जाता है केस के अंदर। ये देख सकते हैं आप, बॉयलन यहाँ पे रख चुका है, ये आ गई है इसकी स्टिक, अब इसको बंद कर दिया जाएगा और ये हो गया बिल्कुल सेफ इसमें, और इसको कहीं भी ले आ सकते हैं जी जी। और ये डालने के लिए जी, आपकी ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग है जी, ये हैंडल पकड़ने के लिए और ये कमर पे डालने के लिए फीता। अच्छा, चाहे कमर पे डालना, कमर पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये अपने पर्सनल कोई डायरी पासबुक भी रखना जी जी जी, एक जिप उसके लिए एक्स्ट्रा दे रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है, जी तो वॉयलिन और ये कवर भी यहाँ पे ही मिलते हैं और तैयार होते हैं इस तरह से जाता है पन्नी में डाल के। अभी ये भाई जो है पैक कर रहे हैं। ये फाइनल पैकिंग है, ये पन्नी में ऐसे जाता है। अच्छा अच्छा, बाहर जब जाता है जहाँ भी अपने बेंगलोर जाए या कलकत्ता जाए। और ये मतलब यहाँ से जो है, यहाँ से पहले कहाँ जाता है? यहाँ से
बिल्डिंग जाता है जहाँ से हम ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग। अच्छा ट्रांसपोर्ट, जी ट्रांसपोर्ट से माल फिर जहाँ का भी एड्रेस हम देंगे वहीं चला जाएगा। अच्छा अच्छा, ये भाई हमारे यही काम करते हैं, एड्रेस डालते हैं, पर्चे बनाते हैं उसके। अच्छा अच्छा, ये काम इनका है? ये काम इनका है। ठीक है, ये इसको माल को अपने काउंटिंग करके जी और उसके डब्बे पे डाल के कि इसमें कितने ना घेंगे एक डब्बे में 36 है या 18 है जी, डालने वाले उसको एड्रेस वगैरह डाल के पर्चा बना के देते हैं, ये इन्हीं का काम है। तो अजीज भाई आप कितने साल से इस काम में हैं? यहाँ मैं 27 साल से हूँ इस कारखाने में। 27 साल से है। अच्छा, तो आपका क्या काम रहता है वैसे यहाँ पे? मैं डांडी बनाता हूँ और बाकी ये जो बाजार से कुछ खरीदना हो या आना हो वो भी मैं दिल्ली वगैरह से लाता हूँ। अच्छा, आप ही लाते हैं? जो भी इसका हैंडल आए या जिप आए या कपड़ा आए सब आपकी जिम्मेदारी में? मेरी जिम्मेदारी जी। तो अभी हम अजीज़ भाई से जानेंगे। अजीज़ भाई हमें ये बताइए कि ये जो वॉयलिन जब तैयार हो जाता है तो मतलब इसकी कॉस्ट कितने से शुरू होती है और कितने तक चली जाती है, और अगर कोई तैयार करवाना चाहे तो उस हिसाब से क्या रहता है, पूरा बताइए आप। सबसे नीचे जो वायलिन है वो करीब 2100 रुपये में बॉक्स समेत। अच्छा। जो केस हमने आपको दिखाया, खाली ओनली वायलिन लेंगे तो 1700 रुपये या 1600 रुपये में आपको हो जाएगा, लेकिन अगर विद केस वो जी कंप्लीट सेट लेंगे तो 2100 रुपये में सबसे कम वायलिन होगा जी। उसके ऊपर फिर 2500 का है जी, 2800 का है, 3600 का है, 4000 का है, 5000 तक का हमारे पास वायलिन है जी। और ज़्यादा जो कीमती है वो कभी कभी बनता है करीब 10000 तक का है, 10000 तक वो कमी से इस्तेमाल होने वाला जी। है, लेकिन ज़्यादातर 5000 और 20000 2000 के बीच में जो है वो अक्सर रेगुलर बनते हैं जी। अच्छा, तो और अगर कोई बनवाना चाहे तो कीमत उस हिसाब से डिसाइड होती है? हाँ, अगर उसकी कोई अलग चीज़ है या कुछ नया बनवाना चाह रहा है जी, उसके हिसाब से जो भी कमती बरती होगा वो कर लिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब आपने पहले भी इस तरीके के डिज़ाइन बनाए हैं अगर कोई लाया है तो? बनाए हैं अगर कोई लाया है किसी भी तरह का। बहुत पुराने वायलिन ले आते हैं लोग जो कि टूट जाते हैं उनके घर में किसी वजह से, तो भाई हमें यही इसी को सही कराना है, इसी जैसा कराना है जी, तो उसको सही करने का है सही कर दें, नहीं तो उसी जैसा उसको दूसरा बना देते हैं। ठीक है जी, जो भी उसका चार्ज होता है वो उसे बतला देते हैं कि इसमें ये चार्ज लगेगा। तो अजीज़ भाई मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी वर्कशॉप है जो हमने अभी आपको दिखाई इन लोगों को, तो ये वर्कशॉप की लोकेशन क्या है? ये रामपुर यूपी पुराना गंज ढेर तोबा। ढेर तोबा, कोई बिल्कुल मोड़ पर ही है वर्कशॉप ये जी, जी, MGM म्यूजिकल के नाम से कितने भी मालूम करेंगे या वायलिन का कारखाना कहाँ है जी, जी मालूम करेंगे कोई भी बता देगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे लोग जो है खरीद भी सकते हैं आके? बिल्कुल खरीद सकते हैं, और अगर वो चाहे कि हमें इस तरीके का वायलिन चाहिए कोई डिज़ाइन लेकर आए अगर? बिल्कुल, जैसा भी लाएंगे इंशाल्लाह बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बनने वाले हैं। तो यही चीज़ जो है बढ़िया है, देखिए आप आपकी मर्ज़ी से, मतलब अगर आप चाहोगे कि इस तरीके का वॉयलिन बनना है, जो भी खर्चा होगा जो भी होगा आप बैठ के बात कर सकते हैं इनसे, और ये आपको बता देंगे कि इतना खर्चा होगा और इतना टाइम लगेगा इसमें। तो आपका फ़ोन नंबर जो है इनका मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं NGM म्यूजिकल से, और बाकी इंटरनेट पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और ये काफ़ी टाइम पुराने से, लगभग कितने साल पुराना है ये? तो लगभग ये 40 साल पुराना एक काफ़ी लंबा टाइम होता है, और इसके पीछे कुछ कहानी भी है। हाँ, जो दो भाई थे पहले, हाँ उन्होंने ही शुरू किया था, और सबसे पहले हिंदुस्तान में रामपुर में ही शुरू हुआ था रामपुर में ये पहला कारखाना यही है। जी जी जी, तो मतलब बहुत ही कमाल की बात है कि हमारे रामपुर में ये चीज़ है, और ऐसी चीज़ों की तो एक तरीके से देखा है, लोगों को दिखाना चाहिए और एक बार आके देखना भी चाहिए कि किस तरीके की चीज़ है। और जो भी मतलब लोग यहाँ पर पॉलिश वगैरह के लिए एक तरीके के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं वो भी यहाँ पे आके जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं जी जी, लोगों का किसी का कुछ ख़राब हो जाए रिपेयर भी कराने आते हैं। अच्छा, रिपेयर भी करवाने आते हैं, अगर कोई पार्ट टूट जाए या कोई टूट फूट हो जाए जी, तब हमारे पास आते हैं फिर रिपेयर भी करते हैं, जो मुनासिब होता है वो उनसे लिया जाता है जी। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है RKC Vlogs, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे रुकली मत जाना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहता हूँ। और ये रामपुर की स्पेशलिटी मैंने आपको दिखाई, वैसे तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें दिखा रखी हैं लेकिन उसमें से एक वॉयलिन भी था, वॉयलिन की वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, लेकिन ये एक तरीके की वीडियो ऐसी थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, जो वॉयलिन देखो दुकान पर तैयार होकर जाता है, तो उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे असलियत मतलब कैसे बनाया जाता है, इसे पूरा प्रोसेस जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो देखा आपने इतने सारे लोग लगे थे इसके काम में और काफ़ी मतलब मेहनत से काम कर रहे थे, बारीकी से काम कर रहे थे। तो आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।